आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉर्स पावर को कैसे जो है एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं, ये टॉपिक भी छूट गया था, ये भी आपको सीखना है क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इसका भी यूज़ बताऊंगा कि कैसे हम लोग लोड कैलकुलेशन में इसका कैसे यूज़ करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब जो हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है हम हॉर्स पावर को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपके मोटर्स होते हैं वो आपको सिंगल फेज में भी अवेलेबल होंगे और थ्री फेज में भी अवेलेबल होंगे। तो जो मोटर्स होते हैं वो आपके एचपी में रहते हैं, जैसे कि एक एचपी, डेढ़ एचपी, दो, तीन, पाँच, साढ़े पाँच, साढ़े सात, दस एचपी, ये आपको सिंगल फेज में मिलेगा। और थ्री फेज में अगर बात करें तो 200 एचपी तक आपको जो है मिल जाएगा मोटर्स। अब जो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे जो हम लोग एचपी को एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ मेरे पास सिंगल फेज का एक मोटर है जो कितने एचपी का है, सपोज़ मैं ले लेता हूँ 2 एचपी का। हमारे पास क्या है, मोटर्स है, सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज के लिए क्या होता है, हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर वी आई कॉस फाई, जो हमारा फॉर्मूला होता है ये सिंगल फेज के लिए है। यहाँ पर पी मेरा क्या है, पावर है, जिसका यूनिट कहाँ है यहाँ पर लेना है आपको, वाट में लेना है। वी आपका वोल्टेज है, आई आपका करेंट है, और जो कॉस फाई है जो आपका क्या है, पावर फैक्टर है। अब जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पी बराबर वी आई कॉस फाई है, तो यहाँ पर पी जो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एचपी में दिया हुआ, 2 एचपी। तो हमारा जो यूनिट होता है पावर का वो क्या होता है, वाट में होता है। तो इस 2 एचपी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो हमारे पास क्या है, 2 एचपी है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 746, तो हमारा कितना आ जाता है, 1492 वाट हमारा आ जाता है। मतलब क्या हो गया, 2 एचपी बराबर कितना वाट होता है, 1492 वाट। तो यहाँ पर मेरा पी कितना हो जाएगा, 492 वाट बराबर वी, वोल्टेज क्या हो जाएगा सिंगल फेज में हमारा क्या होता है, 220 वोल्ट, ठीक है, तो 220। और आई जो मुझे निकालना है करेंट, और जो हमारा कॉस वाई है हमारा क्या है, पावर फैक्टर। तो ये नॉर्मली हम लोग 0.8 0.85 ऐसे लेते हैं, चलिए मैंने 0.8 लिया है। तो यहाँ पर से जब हम लोग आई का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.47 एम्पेयर जो हमारा आंसर आ गया। तो समझ गए, 2 एचपी का है तो जब इसे हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा 8.47 एम्पेयर हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो हम लोग थ्री फेज के लिए देखेंगे कि कैसे जो है थ्री फेज मोटर को जो हॉर्स पावर को कैसे एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ मेरे पास थ्री फेज का एक मोटर है, कितने एचपी का है, सपोज़ मेरे पास 5 एचपी का है। तो यहाँ पर जो थ्री फेज होगा वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, √3 VI cos φ होता है। तो यहाँ पर P मेरा क्या दिया हुआ है, सेम 5 एचपी दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मुझे क्या करना है, वाट में कन्वर्ट करना है। तो 5 एचपी बराबर क्या होगा, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 746 से गुना कर देते हैं। तो 5 × 746 गुना करने पे कितना आ रहा है मेरा, 3730 वाट आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ इतना आ गया है, तो P बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3730 हो जाएगा। और √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, ठीक है। और गुने V क्या होगा, थ्री फेज वोल्टेज मेरा कितना होता है, सपोज़ मैंने 415 ले लिया, ठीक है, तो 415 भी ले सकते हैं या 440 ऐसा भी ले सकते हैं। तो करंट यहाँ मुझे I निकालना है और मेरा पावर फैक्टर कितना है, cos phi 0.8 है। तो यहाँ से जब हम I को सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आपका 6.48 एम्पेयर्स आ रहा है सपोज़। तो इसका आंसर क्या हो गया, थ्री फेस अगर मेरे पास मोटर है 5 एचपी का, उसको मुझे एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर जो हमारा आएगा 6.48 एम्पेयर्स आएगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो दिल से लाइक करें और दोस्तों के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।